हरियाणा के भिवानी में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया। सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद जयंती से राष्ट्रीय युवा दिवस पखवाड़ा का शुभारंभ आज मंगलवार से कर दिया गया है। यह पखवाड़ा 12 से 18 जनवरी तक चलाया जाएगा। पखवाड़े के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। यहां आपको यह भी बता दें कि जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं में उत्साह व उमंग को बढ़ाया जाएगा। इसी कड़ी में स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हुए भिवानी स्वास्थ्य विभाग द्वारा साइकिल रैली का आयोजन आज किया गया है, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। साइकिल रैली को भिवानी की सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत सरकार के निर्देश अनुसार स्वामी विवेकानंद की जयंती को स्वास्थ्य विभाग विशेष पखवाड़े के रूप में मनाता है, जिसके तहत साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती एवं युवाओं को अपने लक्ष्य को निर्धारित कर कार्य करने चाहिए, जिसके तहत है सफलता हासिल होने पर भी युवाओं को हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि यदि हम सफल नहीं भी होते तो कुछ ना कुछ सीखते अवश्य हैं। सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने कहा कि स्वामी विवेकानंद की जयंती पर शुरू हुआ राष्ट्रीय युवा दिवस पखवाड़ा 12 जनवरी से 18 जनवरी तक मनाया जाएगा। इस पखवाड़े के तहत स्कूलों में स्लोगन राइटिंग, जागरूकता रैली, वेबिनार सहित विभिन्न जागरूकता संदेश कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन जागरूकता संदेश कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं में उत्साह व उमंग को बढ़ाना है, ताकि युवा देश के विकास में, उन्नति में अपना बेहतर योगदान दे सके। जी मैम, आज का जो कार्यक्रम था उसके बारे में। आज 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं, और ये दिन जो विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति हैं स्वामी विवेकानंद जी का जो बर्थडे है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज यूथ डे। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया था 1984 में कि हम स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे को यूथ डे की तरह सेलिब्रेट करेंगे, और ये 1985 से ये प्रक्रिया शुरू की गई है। तो हमने भी आज यूथ डे बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया है, और सारे जो विभिन्न स्कूलों से बच्चे आज पार्टिसिपेट करने के लिए आए, और हमने साइकिल रैली निकाली आज सुबह, और सारे बच्चों को ये संदेश जाना चाहिए, स्पेशली यूथ को जो हमारी युवा पीढ़ी है, कि वो स्वामी विवेकानंद जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद की जो फिलॉसफी थी वो स्पिरिचुअल और फिजिकल वेलबींग पे बहुत फोकस था उनका, और एजुकेशन लाइफ में कंटिन्यूस रहनी चाहिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती और हमें लगातार प्रयत्नशील रहना चाहिए कि हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहें, और रिस्क उठाते रहना चाहिए लाइफ में। रिस्क जब तक नहीं उठाएंगे तब तक सफलता आपके आपको नहीं मिल पाएगी। अगर आप रिस्क उठाते हैं लाइफ में और सक्सेस रहते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आप जीतते हैं, और अगर आप नहीं भी जीतते हैं तो उससे भी आपको शिक्षा प्राप्त होती है, और आप दूसरे लोगों को और ख़ुद को भी गाइड कर सकते हैं कि आप जो भी आपने सोचा है लक्ष्य लेने का तो उसको आप कैसे सीख सकते हैं, और प्रयत्नशील रहना चाहिए, और हमें स्वामी विवेकानंद जी की लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनकी जो पर्सनालिटी है वो विश्व प्रसिद्ध है, और उनका मानना ये था कि हमें अपने जो आसपास जो भी लाइफ है उससे हमें बहुत ही प्यार के साथ रहना चाहिए, और अपने नेशन की तरफ हमारा कुछ कर्तव्य रहते हैं जो हमें उसे बखूबी निभाना चाहिए। यूथ डे जो है आज इसको यूथ वीक की तरह सेलिब्रेट करेंगे। 12 तारीख से 18 तारीख तक ये हमारा जो फंक्शन है ये चलेगा। इसको 18 तारीख को हम कैंडल मार्च निकालेंगे, और इसके बीच में विभिन्न जो स्कूल हैं, जो रेड रिबन क्लब्स हैं, उनको हम लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी हुई हैं जो वो पूरा करेंगे, जैसे कि वेबिनार्स, सेमिनार्स, ऐसे राइटिंग और बलून पेंटिंग, और एक ट्री हम लोग डेकोरेट करेंगे जिसका नाम देंगे हम ट्री ऑफ लाइफ, और उसमें हम बहुत सारे स्लोगन्स, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस, रेड रिबन्स,
और बाकी सारी जो अच्छी अच्छी शिक्षाएं हैं उनके स्लोगन से डेकोरेट करेंगे, जिससे कि जो युवा जो हमारे हैं और जो बाकी लोग हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हम इसकी तरफ अग्रसर रहें, अपनी लाइफ में हम कुछ ना कुछ सीखते रहें। धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.